कलियर क्षेत्र के विधायक हाजी फुरकान अहमद ने सड़क निर्माण के लिए कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसमें दौलतपुर में 810 मीटर लंबी सड़क जो 55 लाख रुपए की लागत से बनेगी, वहीं मूलदासपुर माजरा गांव में रविदास मंदिर से शमशान घाट और कलियर में कब्रिस्तान की बाउंड्री जो 31 लाख और 17 लाख रुपए की लागत से बनेगी। साथ ही कलियर में हज हाउस सड़क को 82 लाख की लागत से तैयार किया जाएगा। इस दौरान विधायक फुरकान अहमद ने कहा कि क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता में शामिल है और विभिन्न योजनाओं से पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास कार्य प्रगति पर। मैं कई जगह कई करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का उद्घाटन किया है और विशेष रूप से एक पिरान कलियर में हज हाउस रोड से पीपल चौक तक और पीपल चौक से जो अब्दाल साहब की दरगाह है उधर तक के ये काफ़ी दिनों से इसकी डिमांड थी। और को लेकर सबसे पहले तो मैं माननीय फुरकान विधायक जी का धन्यवाद करता हूँ, उनका स्वागत। और क्योंकि 15 साल पहले यही रोड माननीय विधायक द्वारा बनाई गई थी विधायक निधि। अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ग्राम दौलतपुर में, क्योंकि दौलतपुर हमारा बहुत अच्छा गांव है और जी यहाँ पे जो हमारे ये गेट भगवानपुर रोड से गांव तक लगभग 55 लाख की लागत से इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण होना है, जिसका आज मैंने उद्घाटन किया। और इससे पहले मैंने अभी मूलदासपुर माजरा में रविदास मंदिर से मूलत घाट तक, कि वो रास्ता बहुत ख़राब था, लोगों को जब कोई अर्थी ले जाते थे तो बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। लगभग 31 लाख की लागत से उसका उद्घाटन किया। और एक जो हमारे PMGSY योजना से पथरी से मूलदासपुर होते हुए दौलतपुर होते हुए जादोपुरी तक लगभग 3.5 करोड़ की लागत से उसका आज मैंने उद्घाटन किया। और इसके बाद मैं अभी कलियर में उद्घाटन करूँगा, क्योंकि मेरा मेन मकसद है, जिस जनता ने मुझे जिता कर भेजा उस क्षेत्र में काम करना मेरा मकसद है। और जो बार बार मेरी जनता मुझे तीसरी बार जिता रही है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं कहीं से भी लाऊँ, किसी भी योजना से लाऊँ, अपने क्षेत्र में काम कराऊँ, वही विकास करना मेरा मेन मकसद है। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस की किस तरह की तैयारी? आगामी जो अभी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है।